के जो उद्गम हो रहे हैं वो होती है फंगस जड़ गलन। तीसरा, जो अचानक से सूख जाते हैं उसमें क्या होता है कि ये जो जितने भी हमारे रसायन डालते आ रहे हैं इसका ये रिएक्शन है, इसका ये रिएक्शन है, इससे उस टाइम पानी जो देते हैं ना, पानी नवंबर के मौसम में जब आप सिंचाई करते हैं तो इतने जमीनों में इसका केमिकल जो एक दूसरे से जो अटैच करके जो इसका रिएक्शन आता है वो एक जहरीली गैस के रूप में निकलती है और उससे पूरे का पूरा पता जो है अचानक एकदम से उनकी पूरी गतिविधियां रुक जाती है, हार्ट अटैक मान लो आप, ठीक है, मतलब हम हार्ट अटैक जो मैंने बोला ये कंडीशन है। उससे निपटने के लिए सबसे ज्यादा जो मेन जरूरत है इसकी 100% सोल्यूशन है, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इसका सोल्यूशन एक दिन से एक दिन में नहीं होता ना, आज अगर अपने साथ बाहर ना जो है तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा नहीं सकता। उसके लिए क्या करना होगा, एक तो वेस्ट डीक प्रोजेक्ट आएगा, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद से आप ऑनलाइन बुकिंग करा के मंगा सकते हैं, ठीक है। नंबर दो, ट्राइकोडर्मा। नंबर तीन, माइकोरिजा। नंबर चार, अजिटोपेक्टर। नंबर पांच, फास्फोर सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। नंबर छह, जो सुडोमोनास, ये जो छह तरह के जो बैक्टीरिया है इनको आप एक दो इसके मेथड है इसको तैयार करने के, एक तो होता है देसी पुरानी सड़ी में गोबर की खाद है उसके अंदर मिला के और उसको छिड़ा करके और वैसे बोरी से ढकते हैं, ठीक है। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप एक ड्रम ले लें 200 लीटर का और 200 लीटर के ड्रम में 150 लीटर पानी डाल दें, उसमें 2 किलो देसी 5-7 किलो देसी गाय का गोबर डाल दें, 2 किलो बेसन डाल दें, 2 किलो मीठा गुड़ डाल दें, केमिकल नहीं जो गुड़ का सीधा बोलते हैं जिसको बाजरा बाजार से सामने मिलता है सस्ता रहता है वो डाल दें, 2 किलो आपके गांव में कोई बरगद का पेड़ है उसके नीचे की मिट्टी लेके डाल दें और 2-3 लीटर आप देसी गाय का दूध उसके अंदर डाल दें, डालिए ये सब, उसके अंदर वो बैक्टीरिया जो है वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो उसके अंदर आप डाल दें, इसमें ट्राइकोडर्मा अलग डाल दें एक ड्रम में और बाकी जो बैक्टीरिया है वो एक ड्रम में डाल दें और उसको डेली एक बार ठंडे से इलाके छांव में रख दें और वो जो 10 एक ड्रम जो घोल है वो घोल आपका 10 बीघे में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो 2 बार, उसमें से पहली बार उसके अंदर 15 लीटर प्रति बीघा के हिसाब से आप पानी के साथ देते हैं पहली सिंचाई में, ठीक है, 150 लीटर चला गया, अब 180 मिलीलीटर होगा वो, अब वो बाकी वो 30 लीटर बचा उसके अंदर वही सामान फिर डाल के उसमें भी बैक्टीरिया डाल लेंगे उतनी आपको दोबारा उसमें वही पूरा आइटम डाल के और फिर दोबारा रखते हैं नेक्स्ट सिंचाई में उसी में से फिर डाल दें, ऐसे करके एक फसल में 3 सिंचाई के साथ वो ट्रीटमेंट कर दें, पहले साल आपके 40-50% ये समस्या कंट्रोल हो जाएगी, समझे आप। और अगर आप यहाँ खाना नहीं लगे तो टीको लगा के ठीक कर देना तो ताकत आज उसके लिए आप लोग बहुत मोटा मोटा किसान देश भर में बैठे हैं और बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोग बैठे हैं सारा ताकत लगा के और छोटी और लास्ट तक जाए तो बिना कोई कहा बीमारी बोलियों है लेकिन ये 100% होती है हमारे किसानों ने इसको कंट्रोल किया इस वीक से और ये कंट्रोल होती है, ठीक है। बाकी हर्बल एग्रो एनर्जी जो है इसके ऊपर से स्प्रे तो किसी भी तरह की कमजोरी नहीं है मुझे बहुत कमरे करता है इसमें बहुत अपील है मीडिया का प्रोडक्ट उसका पीएच अगर ज्यादा हो गया ना तो वो बैक्टीरिया
अकेला अगर गौ पुत्र दे दिया तो काम करेगा ही नहीं, गौ तो काम करेगा खेत में आप डालेंगे तो 100% काम करेगा, लेकिन अकेला गौ पुत्र ज्यादा ये अगर आप डालते रहेंगे तो एनपी हो जाएगा जो मोटी का पीएस कर सकता है, तो इसको अगर संशोधित करके आप इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा फायदा होगा, ताकि आप डाल भी सकते हैं अगर आप गोबर की मात्रा वो भी डालें तो प्रॉब्लम ये वो उत्तर भी डालें तो इसका संतुलन बना रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बड़ा सॉरी हर्बल एग्रोनॉमी से एक वायरस से बचाएगा पौधे को और फंगस से बचाएगा और न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट होगा, क्लोरीन अच्छी आएगी क्लोरीन बढ़ेगी कम, ये फायदे बाकी मैंने आपको बता दिया। हाँ करें सोने में जिस पौधे को जिस